यहाँ मेरे पास पानी से भरा एक डिब्बा, एक टेबल टेनिस बॉल, 5 रुपए का सिक्का, एक रबड़ बैंड, एक पत्ता और एक लोहे की कील है। और एक एक करके मैं इन वस्तुओं को पानी से भरे इस डिब्बे में डालूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि क्या होता है। तो सबसे पहले इस टेबल टेनिस बॉल को डालते हैं और अब इस रबड़ बैंड को डालते हैं, ठीक है। अब इस 5 रुपए के सिक्के को भी डाल देते हैं, फिर इस पत्ते को डाल देते हैं और अंत में इस लोहे की कील को भी पानी में हम डाल देते हैं। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि पानी में कुछ वस्तुएं तैरने लगती हैं जबकि कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं। रबड़ बैंड, बॉल और पत्ता तैर रहे हैं जबकि लोहे की कील और सिक्का डूब जाते हैं। तो यह भी पदार्थों को वर्गीकृत करने का एक तरीका है, यानी हम पदार्थों या वस्तुओं को इस आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं कि वे पानी में तैरते हैं या डूबते हैं।